हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो जब भी हम गाड़ी प्लान करते हैं तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव रहते हैं। कोई मतलब स्पेस देखता है, कोई अपना बजट देखता है, कोई फीचर्स देखता है। तो जो मेरा पर्सपेक्टिव था हुंडई वेन्यू को लेते वक्त, वो स्पेस भी था और अपने फीचर्स भी थे और मतलब बजट में बढ़िया सब काम हो जाए, और मेन तो सनरूफ भी थी। तो जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, मेरी फर्स्ट चॉइस थी कॉम्पैक्ट एसयूवी में XUV300 लेने की। लेकिन XUV300 लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, जो कि हमारा था बूट स्पेस। अगर आप भी उसको कभी शोरूम पे देखने जाओगे तो आप देखना उसका बूट स्पेस मतलब काफ़ी कम है। उससे ज़्यादा बूट स्पेस तो हैचबैक गाड़ी में मिल जाता है, तो यही एक चीज़ थी। और ये मतलब किसी का जिसका बूट का काम नहीं पड़े वो उसको ले सकता है, लेकिन पर्सनली मेरा तो बूट एकदम भर के जाता है और बूट स्पेस का मुझे काफ़ी काम भी पड़ता है। तो इसी को देखते हुए मैंने वेन्यू ली थी और आज इस वीडियो में हम बूट स्पेस ही चेक करने वाले हैं हुंडई वेन्यू का। मतलब एक ट्रेजेडी हो गई, वो ट्रेजेडी आपको मैं आगे चल के बताता हूँ। तो आज देखते हैं अपनी हुंडई वेन्यू प्रैक्टिकली काम आती है या नहीं। और जो ये मेरा डिसीज़न था XUV300 को छोड़ के वेन्यू को पिक करने का, वो मेरा डिसीज़न सही रहता है या नहीं, तो अब प्रैक्टिकली चेक करने चलते हैं। और अब आप आगे चल के देखो कि क्या ट्रेजेडी हो गई। तो अभी फ़िलहाल हम निकल चुके हैं हमारे एसी वाले के पास। अब जैसा कि आपको पता है गर्मी का टाइम चल रहा है और बेहद गर्मियां पड़ रही हैं, तो एसी क्या है अक्सर ख़राब हो जाते हैं इस मौसम में। तो ऐसे ही हमारे घर का भी एसी ख़राब हो गया। तो अब मिस्त्री लोगों पे एक चीज़ पे थोड़ी सी गुस्सा आती है कि ये फ़ोन नहीं उठाते हैं। 7-8 दिन से हम फ़ोन करने लग रहे हैं एसी वाले को, जो हमारा अक्सर रिपेयर करता है, तो वो 7-8 दिन से फ़ोन ही नहीं उठा रहा। मतलब बता दे कि नहीं आ सकता मैं, इतने दिन बाद आऊँगा, फ़ोन तो उठा दूँ कम से कम। मतलब फ़ोन ही नहीं उठा रहा और बिल्कुल ही इरिटेट करके रख दिया है। तो फिलहाल इस टाइम उसके घर पे चल रहे हैं और आप टाइम देख पा रहे होंगे 8:21 हो रहे हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आप रात के टाइम क्यों जा रहे हो। रात के टाइम जाने का मेन रीज़न है, अब दिन के टाइम वो रहता है फरार। फरार से मेरा मतलब है कि काम पे निकल जाता है कहीं ना कहीं, तो दिन के टाइम पे तो वो घर पे मिलता ही नहीं और जाना भी मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है जब वो घर पे मिलेगा ही नहीं। तो रात का टाइम है, अब जहाँ तक 100% गारंटी है वो घर पे ही मिलेगा। तो इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं उसके बारे में और बता देता हूँ अब मैं। जैसा कि स्प्लिट जो हमारा एसी रहता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो हमारा लगता है अंदर जो मतलब कमरों में लगता है, और एक रहता है आउटर जो गर्म हवा फेंकता है और छतों पे लगता है। तो जो हमारे एसी का आउटर है ना वो पड़ा हुआ है उसके पास। अब बिना एसी के आउटर के एसी चल नहीं सकता, वो फ़ोन उठा नहीं रहा। तो फाइनली डिसीजन ये लिया है कि अब उसके घर जाते हैं और आउटर लेके आते हैं और किसी मिस्त्री से सही करा लेंगे। तो इस वीडियो में हम यही टेस्ट करने वाले हैं कि जो हमारे एसी का आउटर रहता है स्प्लिट एसी का, क्या वो आसानी से हुंडई वेन्यू की डिग्गी में आ जाता है, क्या वो बूट स्पेस सफिशेंट है। और अगर बूट स्पेस को यूज़ करके भी नहीं आता है आउटर, तो सीट अपनी लुटा के उस पर एडजस्ट करेंगे। मैं चद्दर वद्दर सब लेके आया हूँ, तो इस वीडियो में आज यही टेस्ट करेंगे कि कितनी आसानी से हमारे साथ मतलब वो आ पाता है या फिर नहीं आ पाता जो भी एसी का आउटर है। तो फिलहाल सबसे पहले तो उसके घर चल के उसको पकड़ते हैं, क्या वो मिल पाता है या नहीं मिलता है। हमारे घर से लगभग 10-15 किलोमीटर पड़ जाता है एसी वाले का घर। तो फिलहाल हम उसके घर पहुंच चुके हैं, तो अब देखते हैं वो घर पे मिलता भी है नहीं या फिर हमारा आना वेस्ट रहता है। अगर वो मिलेगा जब ये वीडियो डल पाएगी पूरी, वरना ये वीडियो यहाँ तक बना के कोई सेंस नहीं रहेगा। तो अब देखते हैं, उसके घर तो आ गए हैं, बुला ही रहे हैं उसको, कहाँ है वो, क्या कर रहा है। तो अभी एसी वाले का आने का इंतजार कर रहे हैं, जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ। डिग्गी में इतना कुछ सामान पड़ा हुआ है, ये है टायर इन्फ्लेटर, अगर आपको ये मंगाना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, ये है गाड़ी की सनशेड, अगर सनशेड आपको मंगानी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब डिग्गी तो एकदम भरी पड़ी है, तो मुझे भी संभावना कम लग रही है डिग्गी में आने की। और ये चद्दर में ले आऊँ तो जहाँ तक है सीट फोल्ड करके ही रखेंगे आउटर को। देखते हैं, पहले एसी वाला अब तक तो आया नहीं मेरे हिसाब से, ये रहा उसका घर, देखते हैं आता भी है नहीं। तो फाइनली एसी वाले आ गए, तो अब हम थोड़ी व्यवस्था बना लेते हैं कैसे रखना है। ये गाड़ी का कवर है, डिग्गी में मुश्किल आएगा। बम रख, तो टायर इन्फ्लेटर और जो ये रखे हुए थे इनको मैं आगे रख देता हूँ। पापा कह रहे हैं कि डिग्गी में ही आ जाएगा, तो देखते हैं डिग्गी में आता है नहीं। पार्शियल ट्रे फोल्ड कर रहे हैं, तो पार्शियल ट्रे अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ रख दी है। मुझे लग रहा है बेस ट्यूब की वजह से, और ये बेसबॉल का बैट, अगर ये भी आपको मंगाना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये हमारे सनशेड हैं, बैट को भी आगे पटक देते हैं।
इसका डर और रहता है ये टूट नहीं जाए। देखते हैं ये टूटेगी तो मुश्किल। ये चद्दर है हमारी, इसको बिछा देते हैं। लाल चद्दर अच्छी तरीके से बिछा लिए। ये बेस ट्यूब की जगह ये हैं जो आ नहीं रहे थे इतने दिन से, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो फिलहाल ये आ गए हैं। तो अब देखते हैं रख के आता है कि नहीं आता आउटर। चद्दर वद्दर बिछा दिया बढ़िया। तो पहले तो आउटर को लेने चलते हैं सबसे पहली बात, फिर रखेंगे उसको। ऐसे में ही बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 साल हो गए उसके बाद हमें हमारे एसी का रिमोट मिला है। इसकी भी कहानी बता देता हूँ। ऐसी एसी ख़राब हुआ था तो इसके रिमोट भी मतलब ये मिसिंग सा मार रहा था और चल नहीं रहा था, तो हमने इन्हीं को दे दिया था कि एसी का रिमोट सही कर देना। तो 5 साल हो गए लगभग और उसके बाद उन्होंने एसी का रिमोट हमें दिया ही नहीं। तो अब हम इनके घर आए हैं ना, तो उसके बाद हमें एसी का रिमोट भी मिला है। तो आप भी इन चीज़ों से सतर्क रहें, क्योंकि देख सकते हैं मतलब ये आते नहीं है ना, रिप्लाई देते हैं फ़ोन का। तो अब एसी का रिमोट भी अलग अलग सा और लग रहा है, मतलब इतने सालों बाद देखा है ना। तो फिलहाल वो आउटर को लेने गए हैं और फिर देखते हैं किस हिसाब से आउटर आ पाता है। डिग्गी में ही रखने का मूड है और डिग्गी में ही रखते हैं फिर। एसी का आउटर अब आप पहचान गए होंगे, जो आउटर के नाम से नहीं समझोगे, जो अपनी मतलब छत पे लगता है और गर्म हवा फेंकता है। तो ये पड़ा हुआ था, अब इसको लेके चलते हैं घर और इसका देखते हैं कल अगर अंकल आते हैं तो सही हो पाएगा ये, और अगर इन्होंने फिर से गोली दी। ये तो ना मिले, ये तो ना तो ये तो मैं बोल तब गाड़ी में रख के देखते हैं मेन। तो डिग्गी में कितना वजन होगा इसका, लगभग 35 किलो। तो इसमें 35 किलो वजन है, देखते हैं। अपनी ये ट्रे टूटा टाटी नहीं हो, चद्दर एक बार ढंग से बिछा देते हैं और मैं भी उधर से पकड़ लूँगा चद्दर को। इन आप यहाँ भी चद्दर को बिछा दिया करें, क्योंकि अक्सर यहाँ स्क्रैच लग जाते हैं इस वाले प्लास्टिक पार्ट में। तो अब अपना आउटर आ रहा है और देखते हैं उसको कि मतलब आसान तरीके से आ जाता है और कोई नुकसान नहीं हो। तो ये आउटर आ गया है, अब देखते हैं। तो आ तो ये आसानी से गया, ट्रे पर भी ऐसा कोई ज़्यादा खास जोर नहीं पड़ रहा। चद्दर अपनी यहाँ लगी हुई है, गंदा काफ़ी हो रहा है ये। तो अब एक बार डिग्गी और लगा के देख लेते हैं। कांच मेरे हिसाब से मुश्किल अड़ेगा, बहुत दूर है, काफ़ी जगह। तो आसानी से आ गया, मैं सोच रहा था कि डिग्गी में नहीं आ पाएगा। तो मतलब हुंडई वेन्यू की बूट स्पेस हमें सफिशिएंट देखने को मिल जाती है, जिसमें हमारा आउटर आसानी से आ जाता है। वरना मैंने तो ये सोचा था कि सीट फोल्ड करनी पड़ेगी पीछे की और जब रखना पड़ेगा, लेकिन बढ़िया बात है कि ये आ गया डिग्गी में आसानी से। लेकिन पार्शियल ट्रे ज़रूर हटानी पड़ी, पार्शियल ट्रे नहीं हटाते ना तो नहीं आ पाता। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, आउटर अपना आसानी से आ जाता है और कोई भी समस्या नहीं आती। अगर आप नया भी एसी लेते हैं ना, तो ऐसे ही आउटर डिग्गी में रख लेना और स्प्लिट एसी यहाँ सीट पे आप लेटा सकते हैं, काफ़ी आसानी से आ जाता है। और ये वाइट एलईडी लाइट आप देख सकते हैं, इससे भी बढ़िया उजाला हो गया है। तो ऐसी कुछ वीडियो थी जिसमें मैंने बताया कि ऐसे हम आउटर या एसी रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।